हम दोनों अपनी मर्जी से अपनी खुशी से अपनी राजी से शादी कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद का नारा बुलंद करती इस नई नवेली दुल्हन की शादी और प्यार का फसाना वायरल हो चुका है। बचपन के प्यार के शादी में तब्दील होने की एक कहानी एकदम अनोखी है। आदित्य और आंचल की लव स्टोरी वाकई दिलचस्प है। आदित्य ने 19 की उम्र में 18 की आंचल से ब्याह रचाया है। पूरी कहानी मोहब्बत के एक ऐसे अफसाने को बयान करती है जिसमें सबसे बड़ी दीवार सामाजिक बंदिशें और मर्यादाएं थी, जिनके आगे इन दोनों ने प्यार मोहब्बत को जिंदाबाद कर दिया। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां रामनगर इलाके में एक मुंहबोली बुआ ने परिवार के विरोध के बावजूद भतीजे से शादी रचा ली। बुआ को भतीजे से इस कदर मोहब्बत थी कि बालिग होने के लिए उसने 6 साल तक इंतजार किया ताकि शादी कर सके। बीते मंगलवार को रामनगर थाना क्षेत्र स्थित एक शिव मंदिर में दोनों विवाह बंधन में बंध गए। इस शादी की काफी चर्चा हो रही है। अभी लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 19 साल है। पूरा मामला रामनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 गोल बाजार का है। 6 साल पहले यहाँ के रहने वाले आदित्य पटेल पूर्वी नरकटियागंज स्थित अपने मामा के यहाँ एक शादी में गया था। शिवगंज मोहल्ले की रहने वाली आंचल पटेल से उसकी नजरें चार हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लड़की के घर वाले इस बात का विरोध करने लगे क्योंकि लड़की रिश्ते में लड़के की मुंहबोली बुआ लगती थी। लड़की के मुताबिक परिजन उसके साथ मारपीट करने लगे। बावजूद इसके दोनों प्रेमी प्रेमिका बात करते रहे। जैसे ही लड़की की उम्र 18 साल हुई, उसने सारी बेड़ियों को तोड़ नरकटियागंज से 17 किलोमीटर दूर रामनगर अपने प्रेमी के घर प्रस्थान कर दिया। इसके बाद मंगलवार को दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली। हालांकि लड़की के घर से गायब होने के बाद उसके परिजन भी उसे ढूंढते हुए प्रेमी के घर पहुंच गए। इसके बाद प्रेमी प्रेमिका की जिद के आगे वो झुक गए और उन्होंने भी इस शादी को रजामंदी दे दी। अगर शादी में गए थे, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हम दोनों में बात हुई, लगभग 4-5 साल हम दोनों ने बात किया। अब उसके बाद से हम दोनों में प्यार हुआ। उस वजह से हम लोगों ने फोन से बात किया 4-5 साल। अब दोनों में प्यार होने के बाद से हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग शादी कर लें। इस मंजूरी को घर वाले ना मंजूर कर रहे थे कि ना शादी नहीं होगा, तो हम लोगों ने भागकर शादी किया अपने खुशी से। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोनों आदमी का, हम लोग खुशी से शादी किए हैं। क्या नाम हुआ? आदित्य पटेल। बोला प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। नाम आंचल पटेल है। मैं नरकटिया का शिवगंज की रहने वाली हूँ। मैं पहली बार अपने मामा के शादी में गई थी। मेरे बड़े मामा के लड़के की शादी थी, उनमें ये भी आए हुए थे शादी में, जो ये मुझे बहुत अच्छे, मैंने इनको जब पहली बार देखा तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये मेरी बहुत केयर और रिस्पेक्ट करते थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस वजह से हम दोनों में प्रेम हो गया। हमने 5-6 साल तक लगभग फ़ोन पर बात किया। फ़ोन पर बात करने के बाद हमने सोचा हम शादी कर लेंगे। मैंने इस रिश्ते के बारे में अपने घर में बताया था, पर घर में किसी ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। इस वजह से हमने भाग के शादी करी। मैं 17 किलोमीटर से चल के आई रामनगर अपने प्यार को पाने के लिए, पर मेरे घर वाले अभी भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। पर मेरी आज शादी हो चुकी है। मैंने इनसे शादी कर ली है मंदिर में सबके सामने, और मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस रिश्ते में किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम दोनों अपनी मर्जी से अपनी खुशी से अपनी राजी से इस शादी कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद।